क्या चल रहा है? वैसे आप भी एक्साइटेड होंगे मेरी तरह एप्पल इवेंट के लिए। एप्पल इवेंट में क्या कुछ देखने को मिलता है? वेल, बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन रूमर्स है कि आईपैड और मैकबुक एप्पल इवेंट्स में नहीं देखने को मिलेंगे। वॉचेस देखने को मिलेगी, कूल कूल आईफोन देखने को मिलेंगे, ईयरबड्स देखने को मिलेंगे। वेल, चलो काम की बात पे आते हैं। आईफोन 15 में जो डमी का कलर है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि थोड़ा फीका फीका सा कलर लग रहा है, लेकिन वही उसको फोटोज में देखें थोड़ा अट्रैक्टिव कलर लग रहा है। यानी कि अब ये भी बात सामने आएगी, जो कलर है वहां पे दिखाया गया है वो एक्चुअली में नहीं है, एक्चुअली में बहुत फीका लग रहा है। वहीं पर जो प्रो मॉडल्स का कलर है वो काफी ज्यादा प्रीमियम लग रहा है, क्योंकि प्रो मॉडल्स में काफी कुछ चीजें देखने को मिलेंगी जो कि बेस मॉडल में नहीं देखने को मिलेगी। खासकर वही 60Hz रिफ्रेश रेट जो कि बेस मॉडल में है, वो आपको प्रो मॉडल्स में नहीं देखने को मिलेगी। प्रो मॉडल्स में 120Hz रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगी, क्योंकि एप्पल ने अपनी मार्केटिंग बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा किया है। बेस मॉडल में और प्रो मॉडल में काफी ज्यादा गैप दिखाया गया है। वैसे देखा जाए तो आईफोन 15 में भी काफी नए फीचर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी एप्पल वालों ने गैप दिखाई दिया प्रो मॉडल्स के अंदर और नॉन प्रो मॉडल्स के अंदर। फिर वही बात हुई ना, सभी में एक जैसे फीचर्स हो गए, फिर प्रो मॉडल्स किस नाम के, उनका नाम प्रो ही क्यों होता? कुछ चीजें बहुत क्लियर है, जैसे कि एक्शन बटन जो कि प्रो मॉडल्स के अंदर देखने को मिलेगा, टाइटेनियम बॉडी फ्रेम जो कि आपको प्रो मॉडल्स के अंदर देखने को मिलेगी, एक और खास चीज जो एक्स्ट्रा U1 चिप होगी वो आपको प्रो मॉडल्स के अंदर ही देखने को मिलेगी, जो कि इकोसिस्टम को बेटर बनाती है। A17 बायोनिक चिप जो कि 3nm पर बेस्ड होगी वो भी प्रो मॉडल्स के अंदर ही देखने को मिलेगी। और छोटे छोटे काफी कुछ फीचर्स चेंज किए गए हैं जो कि 15 के बेस मॉडल्स के अंदर नहीं है, प्रो मॉडल्स के अंदर देखने को मिलेंगे। वेल, आते हैं मेन पॉइंट पर। थोड़े टाइम के अंदर मैं आपको जो चेंज होने वाले हैं वो सभी चेंज बता दूंगा। रोल आईफोन 15 सीरीज में क्या कुछ चेंज देखने को मिले हैं एज कम्पेयर टू 14 सीरीज, जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले कि जो नया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगे आईफोन 15 के ऊपर, फ्लिपकार्ट सेल के ऊपर, अमेजन सेल के ऊपर, फ्यूचर में बहुत सारी वीडियोस आ रही है। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले बता दूं, डिस्प्ले के अंदर बेजल्स कम देखने को मिलेंगे, चार्जिंग में भी बहुत सारे चेंज देखने को मिले, जैसे कि USB-C पोर्ट तो देखने को मिला, साथ ही साथ थोड़ी फास्ट चार्जिंग होने वाली है और केबल जो कि 1.5 मीटर लंबी होगी, यानी कि जो केबल है काफी अच्छी देखने को मिलेगी और कलर मैचिंग केबल देखने को मिलेगी, यानी कि जैसा आईफोन का कलर होगा वैसा ही केबल का कलर होगा। बात करते हैं बैटरी कैपेसिटी भी काफी इंक्रीज की गई है, जैसे कि बैटरी कैपेसिटी 15% से 18% तक इंक्रीज की गई है एज कम्पेयर टू 14 सीरीज। कैमराज के अंदर भी काफी कुछ चेंज देखने को मिले हैं, जैसे कि 48 मेगापिक्सल कैमरा नेसेसरी फॉर आर मॉडल। प्रो मॉडल्स के अंदर 6x तक पेरिस्कोप जूम लेंस देखने को मिलेगा, जो कि एप्पल ने पहले कभी नहीं किया, यानी कि काफी एक्साइटेड होने वाला है एप्पल इवेंट। वेल, आप एप्पल इवेंट में किस चीज के लिए एक्साइटेड हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और जो नया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।